हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सिंपल सा सर्किट बनाएंगे जिसके मदद से आप पहचान सकते हो कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है और कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है। उसके साथ आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है और कौन सा का ट्रांजिस्टर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहेगा मैं इसे कैसे बनाता हूँ। और दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम भी आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगा, तो बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक IC बेस। ये 8 टर्मिनल वाला एक IC बेस है जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कनेक्टर यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं ये IC बेस ले रहा हूँ, इसे आपको यूज करने में आसानी होगा। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर दो ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, जिसके ज़रिए आप ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर कौन सा वाला NPN है, कौन सा वाला PNP है, उसको आप सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। ओके, इसके बाद हम लेंगे 470 ओम का रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर 1 किलो ओम्स का भी यूज कर सकते हो और 220 ओम्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। और आखिर में हम यूज करेंगे दो LED, एक है ग्रीन और एक है ब्लू, जो कि एक है PNP के लिए और एक है NPN के लिए। दोस्तों, हमारा सर्किट बन चुका है। मैंने बनाने का वीडियो नहीं दिखाया है क्योंकि कोई नहीं देखता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है PC पर सर्किट बनाने का, तो मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, आप बस वो देख लेना। ओके, तो इसके बाद हम इस यहाँ पर कुछ सप्लाई कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी ले रहा हूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 9 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यहाँ पर हमें बैटरी का कनेक्शन देना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम। तो जो आइस बेस हमने यूज किया है, ये वाला आइस बेस है जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, तो ये है इसका एमिटर बेस कलेक्टर, इस तरह यहाँ पर एमिटर बेस कलेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट का पावर सप्लाई हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या अगर आप 12 वोल्ट चाहो तो यूज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 LED इस्तेमाल किया है, ठीक है, यह LED 1, यह LED 2। तो यह आपका NPN के लिए, यह आपका PNP के लिए। ओके, और यहाँ पर हमने 2 स्विच यूज किया है जिससे कि हम जो ट्रांजिस्टर का जो बेस है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बेस पर हमने इस स्विच को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो जब हम इस स्विच को एक्टिवेट करेंगे तो इससे जो बेस है वहाँ पर सप्लाई जाएगा, जिससे कि बेस हमारा एक्टिवेट हो सकता है। और अगर स्विच ऑन करने पर ही ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो रहा है और स्विच ऑफ करने पर ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर वो सही है, ठीक है। अगर स्विच ऑफ रहने पर भी ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर खराब है, क्योंकि जब हम स्विच को एक्टिवेट करते हैं तो बेस पर सप्लाई जाता है जिसके मदद से ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पर 2 रेजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, एक इस LED के लिए और एक इस LED के लिए, ताकि ये जो LED है ये यहाँ पर 2 से लेकर 3 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और अगर हम यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, और यहाँ पर हमने भी 2 रेजिस्टर इस्तेमाल किया है बेस टर्मिनल पर, ताकि बेस को भी ये प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो 2 टर्मिनल है, ये हमें कोई भी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 हमें यहाँ पर काम पर लेना है। ओके, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी कोई एक पावर स्विच का कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इस वाला साइड जो है PNP वाला साइड है, तो यहाँ पर हमने एमिटर पर पॉजिटिव दे दिया है और कलेक्टर पिन पर हमने पॉजिटिव लेकर के LED पर कनेक्शन कर दिया है, और LED को यहाँ पर ग्राउंड यानी कि नेगेटिव यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। तो ये PNP है, यानी कि जब भी PNP ट्रांजिस्टर पर नेगेटिव का सप्लाई जाएगा बेस पर, तभी जाके ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बेस टर्मिनल है, ये आकर कनेक्शन हुआ है नेगेटिव पर, ठीक है। तो जब भी हम स्विच एक्टिवेट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तभी जाके ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन होगा। उसी तरह जो NPN है ये भी है, तो यहाँ पर हमने बेस पर दिया रखा है पॉजिटिव को, ओके, और LED को भी हमने रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव दे रखा है, और जो LED है इसका नेगेटिव आकर कनेक्शन हुआ है इस NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर, और बेस पर ये रेजिस्टेंस कनेक्शन हुआ है, ठीक है, और इसका जो एमिटर पिन है ये जाकर कनेक्ट हुआ है बैटरी के नेगेटिव पर, ठीक है। तो जो सर्किट है ये कुछ इस तरह से काम करता है। अभी चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं हमारा सर्किट कैसे वर्क करता है। अभी देखिए, जो 2 स्विच मैंने यूज किया था, तो उसके पीछे मैंने ये बैटरी का जो कनेक्टर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। मैंने सर्किट डायग्राम पर देख लिया है कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ, 9 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर मैं इसको पावर दे रहा हूँ, और अभी हम चेक करने वाले हैं कि सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर मेरे पास मैं 2 ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, एक है NPN का और एक है PNP का। तो यहाँ पर जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है,
तो ये ब्लू वाला जो साइड है ये है NPN का, और ग्रीन वाला जो साइड है ये है आपका PNP का, ठीक है। तो पहले आपको स्विच ऑफ रखना है और एक ट्रांजिस्टर लेना है। इसे आपको देखिए यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट करना है। तो अभी LED ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरे वायर यहाँ पर कनेक्शन करना है, यहाँ पर भी LED ग्लो नहीं कर रहा है। और इसको फिर से उल्टा कनेक्शन कीजिए, यहाँ पर उल्टा कनेक्शन कीजिए, नहीं ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर दोनों स्विच ऑन कर लेता हूँ, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। तो देखिए यहाँ पर अभी LED ग्लो कर रहा है, और अगर ट्रांजिस्टर में निकाल लेता हूँ तो LED ऑफ हो जाता है, फिर से देखिए। और अगर मैं ट्रांजिस्टर को इस साइड लगाता हूँ तो ये ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है ये NPN साइड पर ही एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, देख सकते हो। और अगर मैं लेता हूँ एक PNP ट्रांजिस्टर, तो देखिए अगर मैं इसको NPN साइड पर कनेक्ट करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम इसको PNP साइड पर कनेक्ट करते हैं तो एक ग्रीन LED यहाँ पर ग्लो हो रहा है, ओके। देखिए NPN साइड पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन PNP साइड पर ये काम कर रहा है। इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है ये PNP ट्रांजिस्टर है। अगर स्विच ऑफ करने पर ये ऑफ हो जाता है LED, इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ठीक है, यानी कि वर्किंग कंडीशन पर है। अगर मैं कोई फॉल्ट वाला ट्रांजिस्टर लेता हूँ, जैसे कि अभी मैं एक फॉल्ट वाला ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ और इसे अभी हम चेक करेंगे, तो पहले मैं दोनों स्विच को ऑफ कर लेता हूँ। अभी देखिए स्विच ऑफ करने पर भी LED ग्लो कर रहा है ये वाला NPN साइड का, और अगर हम इसको उल्टा कनेक्शन करें तो यहाँ पर ग्लो नहीं। लेकिन हमारा जो पावर का जो स्विच है, जो कि ट्रिगरिंग का स्विच है, बेस का स्विच है, ये अभी ऑफ है। अभी देखिए PNP साइड पर ये ग्लो कर रहा है, अगर उल्टा लगाता हूँ तो ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर स्विच ऑफ होने पर आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पर करेंट फ्लो करवा रहा है, जिसके मदद से LED ग्लो कर रहा है, अगर स्विच ऑफ होने पर भी आपका LED ग्लो कर रहा है, किसी भी LED, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो ट्रांजिस्टर है यह आपका ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अगर ख़राब ट्रांजिस्टर यहाँ पर कनेक्शन करोगे तो यहाँ पर स्विच ऑन हो या फिर ऑफ हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस वाले साइड पे इस तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रिगरिंग का जो स्विच है, जो कि बेस को हम ट्रिगरिंग करते हैं, ये वाला भी ऑफ है। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये सर्किट बना करके चेक कर सकते हो कौन सा वाला ट्रांजिस्टर NPN है, कौन सा वाला ट्रांजिस्टर PNP है, और कौन सा वाला ट्रांजिस्टर सही है, कौन सा वाला ख़राब है। इसके मदद से आप आसानी से चेक कर सकते हो। दोस्तों जो सर्किट है आपको 5 से 10 रुपये के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल सर्किट है, इसे आप घर पर जरूर बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है बनाने में तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।